लगता है काम हो गया बलबला बलबल। मात्र प्रेम का विकार, ये ऐसा मोह है जो बड़े बड़े योगियों को भी विवश कर देता है। फिर हनुमान तो भी बालक है, फंस गया वो भी इसमें। किंतु मार्जरिका, यदि वो इस मोह के विकार से छूटकर बाहर निकल आया तो बलबला बलबल मचा देगा। नहीं आएगा, वचन दिया है उसने। हाँ। बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र है हनुमान। यदि प्रलय भी आ जाए ना, तब भी जब तक मैं ना पुकारूं तब तक उसका ध्यान नहीं टूटेगा। बलबला बलबल। बलबला बलबल। अब यहीं बंद रहोगे हनुमान तुम? निकलना चाहोगे तब भी ये सुरक्षा कवच तुम्हें यहां से निकलने नहीं देगा। पुत्र की व्यवस्था तो हो गई माजरिका, अब पिता और नानी का क्या करना है? बलबला बलबल। उनके लिए भी सोच रखा है मैंने। नानी तो वृद्ध है, उसे तो मैं ही समाप्त कर दूंगी। और जहां तक केसरी की बात है, उसके लिए मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो स्वयं ही अपनी मृत्यु का आह्वान करेगा। बल बला बल बल। अब लंकेश का कार्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जय लंकेश। लंकेश को रोकना ही होगा देवगुरु, सभी ग्रहों की रक्षा करनी है मुझे और इसके लिए मैं लंकेश से युद्ध करूंगा। देवराज, वो ब्रह्मदेव के वरदान से रक्षित है, आप अनंत काल तक भी युद्ध करते रहेंगे तब भी उसे परास्त नहीं कर पाएंगे। आप प्रभु नारायण के नर अवतार राम के हाथों ही उसका वध हो सकता है, तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें। किंतु देवगुरु, यदि कुछ नहीं किया गया तो लंकेश नवग्रहों को अपने अधीन करने में, नवग्रहों पर आए इस संकट को समाप्त करने के लिए मैं समझाऊंगा रावण को। ऐसी बातें उसे समझ नहीं आती, आप प्रयास करके देख लीजिए, आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अभी भी समय है बुद्धदेव, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा विनाश हो जाएगा। मैं नाम ही मिटा दूंगा बुध ग्रह का इस ब्रह्मांड से। रुक जाओ रावण। प्रणाम देवगुरु। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे लंकेश रावण। देवों के गुरु बृहस्पति, अब हम में से कोई भी तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा दशानन। आह शनिदेव,
आप भी आ गए। सावधान लंकेश। लंकेश, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस अपनी नगरी लंका चले जाओ। सूर्य और मंगल देव भी आ गए। अच्छा है, आप सबको एक साथ मैं अपना दास बनाऊंगा। रावण, रुक जाओ। रावण, मैं तुम्हारे साथ यहां युद्ध करने नहीं आया हूं, तुम्हें समझाने आया हूं। समझाने? देवों के गुरु, समझाना है तो इन देवों को समझाओ। और स्वयं भी समझो मेरी शक्ति, मेरे बल के बारे में। रावण, मेरे ये दिव्यास्त्र तुम्हें यहीं से धरती में गिरा देंगे। निशानन, रावण संभालो मेरा प्रहार। मेरा ये आग्नेयास्त्र तुम्हें और तुम्हारे विमान दोनों को जला देगा। तुम सब मिलकर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। इन ग्रहों युद्ध का दुष्परिणाम पृथ्वी पर भी पड़ रहा होगा। प्रलय की सी स्थिति उत्पन्न हो रही होगी। हे ईश्वर, हरण कीजिए इस संकट का। मैंने पूरे राज्य का निरीक्षण करा लिया है। उल्कापिंड गिरने से कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर कोई विशेष हानि नहीं हुई किसी को। युवराज समय रहते ही उल्कापिंडों को दूसरी ओर मोड़ देने में सफल रहे थे। ये क्या हो रहा है महाराज? समझ नहीं आ रहा मंत्री जी, पिछले कुछ दिनों से राज्य में क्या हो रहा है? एकाएक तापमान बढ़ना, उल्कापिंड गिरना, अब ये झंझावात और भूकंप। महाराज, महाराज, पूरे सुमेरु में हाहाकार मच गया है भूकंप से। ये तो प्रलय का आभास है। हनुमान कहाँ है? हनुमान, प्रभु महादेव, रावण और ग्रहों के युद्ध के कारण पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति ने मुझे रावण से युद्ध करने के लिए मना किया है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, आप ही कुछ कीजिए।
बाहर से आर्तनाद जैसी पुकारें सुनाई दे रही हैं। ध्यान भी नहीं लगा पा रहा हूँ मैं और उठ भी नहीं सकता। माँ को वचन दिया है। मातृमोह का विकार सद विकार है, सद्गुणी तो इस विकास से ग्रसित हो ही जाएगा। इसलिए हनुमान जैसा संकट मोचन भी इस मोह के संकट में फंस गया है। घटित हो रहा है, क्या करूं मैं? अभी तो हमारा मित्र हनुमान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आज हमारा मित्र हनुमान होता तो अवश्य हमें इस संकट से मुक्त करवा लेता। हमें ढूंढना होगा उसे। हनुमान, हनुमान, कहाँ हो मित्र? हनुमान, 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 हनुमान! अंजना, तुमने हनुमान को देखा? हनुमान यहाँ कहाँ मिलेगा? वो तो कहीं किसी के संकट हर रहा होगा। ऐसी संकट की घड़ी में आपको भी प्रजा के साथ होना चाहिए। चलिए मैं भी आपके साथ चलती। अंजना, तुम संकट की घड़ी में सदैव मेरे साथ रहती हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम यहां राजभवन में रुको, मैं वहां जाता हूं। अंजना, यदि हनुमान आए तो उसे मेरे पास भेज देना। दोनों पिता पुत्र मिलकर अंतिम सांस तक प्रजा की रक्षा करेंगे। अंतिम श्वास। उधर पुत्र की गुफा में घुटकर अंतिम श्वास निकलेगी और इधर इन सब को भी अंतिम श्वास तक पहुंचा दूंगी मैं। लंकेश, अब तो तुम्हारी जय ही जय होगी। प्रणाम देवरागी। ये एकाएक क्या हो रहा है और आप इतनी भयभीत क्यों लग रही हैं? ये सब लंकेश रावण के कारण हो रहा है। उसने ग्रहों की दिशा बदलकर संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। समस्त संसार और सुमेरु मुश्किल में है। नहीं, मेरे पुत्र हनुमान के होते सुमेरु पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। वो सुमेरु ही नहीं, संसार का भी कोई अहित नहीं होने देगा। बचा लेगा वो सबको। महादेव की कृपा से ऐसा ही हो।
मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि सुमेरु पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, न जाने अब क्या होगा। महादेव रक्षा कीजिए, पुत्र हनुमान संसार पुनः संकट में है। तुम जहां कहीं भी हो शीघ्र जाओ और संसार को इस संकट से उबारो। हनुमान तुम ही संसार के संकट मोचन हो, रक्षा करो संसार की और तुम्हारे सुमेरु की। ये तो माँ का स्वर है, लगता है माँ पुकार रही हैं। संसार पर आई इस आपदा को तुम ही समाप्त कर सकते हो हनुमान। हनुमान मेरे लाल शीघ्र आओ और रक्षा करो सबकी। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी भ्रम श्राप नहीं लगेगा। तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। ब्रह्मदेव आपकी वरदानी शक्ति का प्रयोग करने का समय आ गया है। जय ब्रह्मदेव। जगत की रक्षा करने में विलंब मत करो, शीघ्र आओ और अपना कर्तव्य निभाओ। माँ आपके पुकारने पर मुझे कोई भी गुफा या कोई भी सुरक्षा कवच रोक नहीं सकता। मुकेश रावण, मैं चाहूं एक ही क्षण में इस बंधन से मुक्त हो सकता हूं। अपने मंत्र से आपके और आपकी लंका को समाप्त कर सकता हूं, किंतु मुझे भी प्रतीक्षा है किसी की। आपको जिसकी प्रतीक्षा है उसे स्वयं समाप्त करने जा रहा हूं देव गुरु, और आप सब भी ये बात जान लें कि अधिक समय तक मेरी शक्ति के सामने आप सब टिक नहीं पाएंगे। भलाई इसी में है कि देव गुरु बृहस्पति के भांति आप सब भी अपनी पराजय स्वीकार कर ले। देव गुरु ने पराजय स्वीकार नहीं की है लंकेश, वो तो दया दिखाकर आपको छोड़ रहे हैं। देव गुरु चाहें तो आपको एक ही क्षण में समाप्त कर सकते हैं, किंतु ब्रह्मा जी द्वारा आपको दिए गए वरदान का अनादर नहीं करना चाहते वो। आप तब मेरी ग्रह दशा में परिवर्तन करके मेरा मृत्यु योग बना रहे थे, अब आप तब मेरे अधीन हैं। अब ना मृत्यु योग होगा और ना मुझे मृत्यु मिलेगी, अब होगा
तो केवल पृथ्वी का नाश और उसी के साथ उस नर और वानर का अंत जो मेरे संहार के लिए पृथ्वी पर पल रहे हैं। ब्रह्मं प्रसन्नं, प्रसन्न हुए हम। अब आप सब अपने ग्रह तत्व रूप में मेरे बंदी है। ब्रह्मं प्रसन्नं, प्रसन्न हुए हम। अब प्रलय होगी, मात्र प्रलय। महादेव, प्रभु प्रलय काल से पूर्व ही सृष्टि नष्ट होने जा रही है। कुछ कीजिए देवेश्वर, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भूदेवी, नित्य और नैमित्तिक प्रलय तो संसार में होती ही रहती है, उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समय की प्रतीक्षा करें। प्रणाम प्रभु। माँ कहाँ है? माँ, माँ तो इस आपदा में मंदिर में शिव जी से प्रार्थना कर रही होंगी। अभी जाता हूँ मंदिर। आश्चर्य है, माँ यहाँ पर भी नहीं है। हो सकता है संकट की घड़ी में वो किसी की सहायता करने गई हो, किंतु पहले मैं कक्ष में ढूंढता हूँ। अब सब समाप्त हो जाएगा। तुम यहाँ कौन सी बल बला बल बल मचाने आए हो अति बल? सुना नहीं तुमने? मैंने तुम्हें केसरी के पीछे भेजा था कि तुम इस आपाधापी का लाभ उठाकर अवसर पाकर केसरी पर वार कर सको। हनुमान, कौन है आप? ये क्या कह रहे हो तुम? कहीं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? मैं सब जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। सब कुछ देख लिया है मैंने। बलबला बलबल, बलबला बलबल। ठीक है,
मैं जाता हूँ केसरी के पीछे। अतिबल माँ के कक्ष में क्या कर रहा है? किंतु तुम याद रखना, वो हनुमान बड़ा ही बलवान और मायावी है। यदि वो यहाँ आ गया तो हनुमान बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र है। जब तक मैं ना पुकारूं, तब तक वो नहीं उठेगा और मैं उसे कभी नहीं पुकारूंगी। कहीं गुफा में ही मरेगा वो। बलबला बलबल। तो तुम माँ की पुकार सुने बिना ही उठ गए? नहीं, मैं माँ की पुकार सुनकर ही उठा हूँ। अब बताइए, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तो गई। देखिए, आप मेरी माँ के बारे में बता दीजिए कि कहाँ है वो। तुम्हारी माँ को विवश होकर इंद्रलोक जाना पड़ा और अब तुम्हें भी मृत्यु लोक भेजूंगी मैं। जैसा ही सम्मान दूंगा। बनकर तुम्हारे प्राण हरने आई थी, किंतु मेरी सच्चाई जाने के पश्चात भी तुम मुझे मां का सम्मान दे रहे हो। यहां तक कि मैंने तुम पर वार किया और तुमने मेरे प्राण बचाए। मैं तुम्हारी अपराधी हूं हनुमान। मैं तुम्हारी मां कहलाने के योग्य नहीं हूं। देखिए, आप ऐसा मत कहिए, माँ माँ होती हैं। ऐसा मत कहिए, माँ माँ होती हैं। भले ही वो जन्म देने वाली जननी हो,
या धरती के समान पोषित करने वाली माता। आपने भी कुछ दिन मेरा पालन किया है, बस आप बता दीजिए कि मेरी जननी माँ कहाँ है, कि वो स्वर्ग लोक क्यों गई। तुम्हारी माँ पुर्जन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जिन्हें एक ऋषि के शापवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। किंतु तुम्हारे जन्म के पश्चात श्राप की अवधि समाप्त हो गई, इसलिए उन्हें विवश होकर पुनः स्वर्ग जाना पड़ा। माँ, माँ आप ठीक तो है ना? पुत्र, तुम्हें माँ की आवश्यकता है, किंतु समय संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। किंतु ये सब क्यों हो रहा है? एक महाबली रक्षराज ने सूर्य चंद्र आदि नवग्रहों को अपने अपने पद से भ्रष्ट कर पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति बना दी है। यदि उन नवग्रहों को उस रक्षराज से मुक्त नहीं कराया गया तो इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा। क्या सोच रहे हो हनुमान? मैं बड़ी दुविधा में हूँ। वहाँ मेरी माँ मुझे पुकार रही है और यहाँ संसार को प्रलय के संकट से बचाना भी आवश्यक है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप ही मुझे इस दुविधा से निकालिए, बताइए मुझे क्या करना है। हनुमान, सोचो, यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माता होती तो ऐसी स्थिति में क्या कहती? पुत्र, जैसे माता पिता भाई बंधु, इनसे बड़ा होता है समाज, समाज से पहले होता है नगर और नगर से पहले होता है राज्य, किंतु राज्य से भी प्रथम होता है संसार। इसीलिए ध्यान रखना मेरे लाल, यदि कभी भी एक ओर माता पिता और दूसरी ओर संसार संकट में हो तो तुम्हें संसार के संकट का निवारण करना होगा। पृथ्वी संसार की माँ होती है और तुम्हें उस माँ को पहले बचाना होगा। माँ तो संसार को बचाने के लिए ही कहती, यदि माँ किसी बड़े संकट में हो तो नहीं। हे भोले बाबा, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। भोले बाबा प्रणाम। हनुमान, माँ की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा होती है। संसार में पुत्र के लिए माँ की आज्ञा सर्वोपरि होती है। माँ का कहा हुआ हर वाक्य पुत्र के लिए ईश्वर का आदेश है। कल्याण भव। मैं पहले संसार की रक्षा करूंगा, फिर माँ के पास जाऊंगा। माँ प्रसन्न हो जाएंगी। मेरे विकार तुम्हारी माँ के संस्कारों से हार गए पुत्र। जाओ, विजय तुम्हारी होगी। माँ, मेरी एक विनती आपको माननी होगी। मेरे लौट कर आने तक भवन में सारे रहने वाले प्रियजनों का आपको उसी तरह से ख्याल रखना होगा जिस तरह से माँ रखती थी। हनुमान, मैं तुम्हें वचन देती हूँ पुत्र, मैं ऐसा ही करूंगी।
अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे सारे संसार को बचाने जाना है। विकार और संस्कार। विकार से विचार दूषित होते हैं, मन विकृत होता है और मनुष्य दुष्कर्म करते हुए पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। संस्कार विचारों को शुद्ध करते हैं, मन को संस्कारित करते हैं और मनुष्य सत्कर्म करता हुआ स्वयं व जगत के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। संस्कार का कवच ही विकारों से रक्षा करता है। यह हनुमान के संस्कार ही हैं जिन्होंने हनुमान को जगत की रक्षा के लिए प्रेरित किया। किंतु ये विकार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। कभी भी किसी भी क्षण मन को दूषित कर देते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप लोग भयभीत ना हो, यह स्थान सुरक्षित है। आप लोग यहीं रुकें। तुम सब यहाँ? मैं भी हनुमान को ढूंढ रहा हूँ। हनुमान कहाँ है? बालको, पर्वत टूट रहा है। तुम सब यहीं रहो, सुरक्षित रहोगे। ये बालक यहाँ बैठा है। मंगल, बुध, बृहस्पति,
परेशानी। सारे संसार की ग्रह दिशा निर्धारित करने वालों, अब आप सब की ग्रह दिशा मैं निर्धारित करूंगा। रावण है हम। मेरे गुरुदेव शुक्र, राहु, केतु, चंद्र, आप सब ग्रह एक साथ एक ही स्थान पर, वो भी लंका में। रावण है हम। ये है प्रलय की दशा। अब आप सब तत्व रूप से मेरे बंदी हैं। और यदि इस बंधन से मुक्ति पानी है तो लंका छोड़ संपूर्ण पृथ्वी प्रलय से नष्ट हो जानी चाहिए और उसी के साथ समस्त नर और वानर, उनका भी नाश हो जाना चाहिए। उसके लिए आप सबको मेरे निर्धारित दिशा पर ही चलना होगा। ए नारायण, सुन नारायण, चाहे तूने नर रूप लेकर इस पृथ्वी पर कहीं पर भी जन्म ले लिया हो, इस पृथ्वी के अंत के साथ तेरा भी अंत हो जाएगा। इसी के साथ अंत हो जाएगा उस वानर बालक का भी, जो बार बार हम असुरों के विरुद्ध सिर उठा रहा है। इसी के साथ असंभव हो जाएगी मेरी मृत्यु के योग की दिशा। यदि किसी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस किया तो महादेव की सौगंध, उसे मेरे कोप का भाजन बनना होगा। उसे बंदी बनाकर युग युगान तक तर तर पाऊंगा मैं। मेरे राक्षस वीर हर पल प्रताड़ित करेंगे उसे, मृत्यु से भी भयानक दंड मिलेगा उसे। अब जाओ, मेरे अनुसार
निर्धारित किए गए दिशा पर चलाओ, जाओ। रावण है हम। मर्जरिका तुम्हारी तो बलबला बलबल हो गई। हनुमान ने तुम्हारी सच्चाई जान ली है तो फिर यहां रुकने की मूर्खता क्यों कर रही हो? चलो यहां से चलो, लंका चलो। यदि हनुमान के पहुंचने से लंकेश अपना कार्य करने में सफल हो गए तो ज्ञात है कैसा भयानक दंड देंगे वो। यदि लंका पहुंचकर क्षमा याचना करेंगे तो कदाचित प्राण बच जाए। यहां रहे तो प्रलय से ही मारे जाएंगे। मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं, अब मैं यहीं रहकर हनुमान की मां का धर्म निभाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तो राक्षसी अब महारानी बनने का स्वप्न देख रही है। अब तुम्हें रावण के कोप से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। भयानक दंड देंगे तुम्हें। बलबला बलबल। वो वानर बालक इसी ओर आ रहा है, उसे रोको अन्यथा लंकेश सभी ग्रहों की गति को रोक देंगे। जैसा मैंने कहा वैसा करो चंद्र, प्रहार करो उस पर। मुझे क्षमा करना हनुमान, मैं विवश हूं। ऐसी व्यवस्था है भाग्य की, अपने ही संकट मोचन को संकट में डालना पड़ा मुझे। चलो, क्या समाचार लाए हो? मेघलोचन ने संदेश दिया है कि चुप क्यों हो गए? क्या संदेश है बोलो। कि वो वानर बालक चंद्रमा के निकट आ गया है। नहीं! किंतु चंद्रमा ने उसे हिमशिला में हिम की भांति जमा दिया है। लंकेश, राहु केतु प्रकट हो। लंकेश की जय हो। क्या देश है लंकेश? राहु केतु, जाओ चंद्रदेव के पास जाओ।
वो वानर बालक चंद्रदेव को मेरे बंधन से मुक्त कराने के लिए वहां पहुंचा है। तुम दोनों जाकर उसे इस जीवन से ही मुक्त कर दो। उसकी मृत्यु दशा बना दो। वो वानर बालक चंद्रदेव को मेरे बंधन से मुक्त कराने के लिए वहां पहुंचा है। तुम दोनों जाकर उसे इस जीवन से ही मुक्त कर दो। उसकी मृत्यु दशा बना दो। जाओ, अब तुम सब मिलकर स्वयं मेरे शत्रुओं की मृत्यु का योग बनाओगे। रावण है हम। चंद्रमा, तुमने उत्तम कार्य किया है। शीघ्र ही इस हिमशिला के शीत से ये वानर बालक सुन्न पड़ जाएगा। अंजना, अंजना, सुमेरु में बाढ़ आ गई है। चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है और वो भवन की ओर बढ़ रहा है। न जाने क्या होने वाला है। आप चिंता मत कीजिए माँ, ये भवन ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं आ पाएगा। परंतु केसरी जी कहाँ हैं? चंद्रदेव, अब आप अपने पूर्व निर्धारित पथ पर जाइए। आप सब ग्रह अपने निर्धारित पथ पर विचरण करेंगे, तभी पृथ्वी पर होने वाली विनाश लीला समाप्त होगी। वत्स हनुमान, अभी भी मेरी सारी शक्तियां रावण के नियंत्रण में हैं। मुझे क्षमा करें वत्स। सुना नहीं तुमने वानर? लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं मेघलोचन तुम्हें बादलों के घेरे में ले लूंगा। भटकते रहोगे तुम उसी में जीवन भर। मेघलोचन, कदाचित तुमने मेरी शक्ति का अनुमान करने में भूल की है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चंद्रदेव को मुक्त करके चले जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे वानर। चंद्र, तुम्हारी शक्तियां भी मुझे चाहिए। दो अपनी शक्तियां। Ha 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 ha!
प्रतीक्षा से पार पाना असंभव है। मुझे मुक्त कराना तो दूर, मुझे देख भी नहीं पाओगे। वापस चले जाओ सुमेरु हनुमान, वापस चले जाओ। ये नदी का जल इतना अधिक कैसे बढ़ रहा है? ऐसा ही रहा तो नदी में बाढ़ आ सकती है। हाँ मित्र, हाँ बालको, पानी बढ़ रहा है, ये सुमेरु तक भी पहुंच जाएगा। तुम सब लोग राजभवन चलो, वही एक स्थान है जो बाढ़ के पानी से सुरक्षित है। चलो चलो सब। अंजना माँ बचिए। आप ना होते तो कदाचित आज। माँ अंजना, मेरे होते हुए आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। हनुमान कहाँ है? आप तो निष्कंटक होकर राज्य संभालिए। मेरा हनुमान है ना सुमेरु का रक्षक, मेरा आपका। मैंने केसरी को विकारग्रस्त करने के लिए क्या कुछ नहीं कहा, किंतु इन्होंने आज मेरे प्राण बचाए। मुझे आप पर और हनुमान पर बहुत गर्व है। आपने हमारी रक्षा की। हनुमान संसार की रक्षा करने के लिए गया है। प्रणाम महाराज। क्या हुआ मंत्री जी? महल में प्रजा की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आपातकाल में प्रजा को राजा का ही सहारा होता है। सबकी उचित रूप से देखभाल की जाए। चलिए। जी महाराज। मैं भी साथ चलती हूँ प्रजा की रक्षा करने के लिए। हाँ अंजना चलो। सुनो 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 सुनो, अयोध्या वासियों, महाराज दशरथ के आदेश से प्रजा की सुरक्षा के लिए महल के द्वार खुलवा दिए गए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग महल की ओर प्रस्थान करें। चलो महल में सब चलो, चलो, चलो। बादलों में मुझे घेरोगे मेघलोचन। चंद्रमा, प्रहार करो इस पर, तभी ये वश में हो पाएगा। करो प्रहार। Ha ha ha!
पूरी शक्ति लगाओ चंद्रमा। शवीरों, अब शीघ्र ही तुम सब पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण कर सकोगे। मैंने समस्त ग्रहों को अपने वश में कर लिया है और उनकी स्थिति ऐसी कर दी है कि लंका छोड़कर संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आएगा, सबका नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक भी नर और मानर बचे। मेरा आदेश है, तुम्हारे सम्राट दशानन लंकेश का आदेश है, मेरे रक्षवीरों फैल जाओ पृथ्वी पर और विनाश कर दो। कोई भी नर और वानर बच गया तो उसका विनाश कर दो, वध कर दो उसका। जाओ मेरे लक्ष्मीरो, जाओ। महाराज, चारों तरफ से बाढ़ का जल महल के निकट तक आ गया है। बाढ़ का जल महल तक आ गया है। हे भगवान, लगता है आज सब जल में डूब जाएंगे। शांत हो जाइए, आप लोग भयभीत मत होइए। इस समस्या का समाधान हम लोग मिलकर निकालेंगे। भयभीत मत होइए आप लोग, आपके युवराज हनुमान इसी संकट का निवारण करने गए और अवश्य वे इस संकट का मोचन कर लेंगे। आप सब धैर्य रखें। चंद्रमा, पूरी शक्ति से प्रहार करो। और शक्ति लगाओ चंद्रमा। नहीं, इस बवंडर में तो मैं ही फंस गया। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, ये क्या होता जा रहा है। कोई अपने निर्धारित पद पे नहीं जाएगा, जाएगा तो तू वानर मृत्यु पद पर।
राहु केतु अरे क्यों गुदगुदा रहे हैं मुझे? हटो मत, युद्ध करो मुझसे। और करो। और तीव्रता से, और तीव्रता से। हनुमान, अभी भी मेरी सारी शक्तियां रावण के नियंत्रण में हैं। मुझे क्षमा करें वर, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूं। आप चिंता मत करिए, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। अरे और तीव्रता, और तीव्रता से, और तीव्रता से। और तीव्रता से, और तीव्रता से। ये दोनों तो हनुमान को घेर कर प्रहार कर रहे हैं। राहु केतु, आप दोनों के लिए यही उचित होगा कि आप इस सृष्टि के कार्य में सहयोग करें। लगता है हमें किसी अन्य युक्ति से ही इस बानर बालक को मृत्यु द्वार तक पहुंचाना पड़ेगा। केतु, आपको देख के लगता है कि आप अभी भी युद्ध के लिए उद्यत हैं। चंद्रदेव, प्रहार कीजिए इस पर अपने शीतास्त्रों से। अब मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। चंद्रदेव, अपने शीतास्त्रों से प्रहार कीजिए इस पर। चंद्र, तुम्हारे अस्त्र अभी भी हम असुरों के नियंत्रण में है। छीन लूंगा मैं इन्हें तुमसे। हनुमान, इस शीतास्त्र में जकड़ कर रह जाओगे तुम।
प्रणाम त्रिदेवी, प्रणाम देवी शैलपुत्री, प्रणाम माते, देवी ब्रह्मचारिणी, देवी चंद्रघंटा। तीनों देवियों की जय हो। राहु केतु, संभालो ये ताम्र यंत्र का प्रहार। छोड़ दो मुझे हनुमान, छोड़ दो हनुमान, छोड़ दो मुझे हनुमान, छोड़ दो हमें। चंद्रदेव, मैं आपकी सारी शक्तियां पुनः दे रहा हूँ जो राहु केतु ने छीन ली थी। हनुमान, आज तुमने मुझे इन राक्षसों के बंधन से मुक्त कराकर मुझ पर उपकार किया है, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। आप तो शिव जी के मस्तक की शोभा हैं चंद्रदेव, आपका ऋणी तो सारा संसार है। जो आप रात के अंधेरे में सबको रास्ता दिखाते हैं, जड़ी बूटियों का पोषण करते हैं, जिनसे अनेकों व्याधियों का उपचार किया जा सकता है। हनुमान, अब मैं अपना पूर्व निर्धारित स्थान ग्रहण करूंगा। आपका कल्याण हो पुत्र। प्रणाम चंद्रदेव। हनुमान, हमें छोड़ दो, हमें मुक्त कर दो हनुमान। किंतु आपको वचन देना होगा कि मुक्त होने के पश्चात आप दोनों अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर स्थित होकर अपने कार्य पूर्ववत करेंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं हनुमान, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। सखा, अब जाइए। किंतु पुनः स्थान परिवर्तन का प्रयास किया तो देख रहे हो ना सखा को। हमें क्षमा कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। उचित है, फिर जाइए। शीघ्र ही बताओ उस वानर बालक के मृत्यु का समाचार हमें। बोल। उस वानर ने चंद्रमा को मुक्त करा दिया है और राहु और केतु को विवश कर दिया है अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। दो चार ग्रहों को ठीक करने से स्थिति नहीं सुधरेगी। पूर्णिमा से पहले वो वानर बालक
अन्य ग्रहों की स्थिति नहीं सुधार सकता। बस पूर्णिमा तक उस वानर बालक को मारना होगा या रोकना होगा। पूर्णिमा आते ही सृष्टि में प्रलय मच जाएगी। फिर विष्णु हो या इंद्र, इस जगत को कोई नहीं बचा पाएगा। उस वानर बालक को रोकने के लिए मेरे भाई कुंभकर्ण को भेजो, उठाओ उसे। अपना ताप घटाओगे तो प्रताड़ित करूंगा मैं तुम्हें। सूर्यदेव, तुम और तुम्हारी शक्तियां हम असुरों के वश में है, और बढ़ाओ अपना ताप, अन्यथा तुम लंकेश की शक्ति को भली भांति जानते हो। मुझे क्षमा करना रुद्रांश, मैं विवश हूं ये करने को। सूर्यदेव तो अपना ताप बढ़ा रहे हैं, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। दिव्य प्रकाश में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। सूर्यदेव, तुम्हें आदेश देता हूं, अपना ताप और बढ़ाओ। जल यहां भवन के द्वार तक आ गया है, रक्षा कीजिए महाराज। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या करें, बहुत सारे था। अरे बच्चों से महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। बचाइए बचाइए महाराज। बालको संभालो महाराज, महाराज बचाइए, रक्षा कीजिए महाराज। राक्षस, ये कहां से आ गए? ये तो राक्षस है, सावधान हो जाओ सब। राक्षस, ये कहां से आ गए? Ha 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 ha!
भयभीत मत होइए आप लोग, इन्हें मैं संभालता हूं। तुम सब यहां आ तो गए हो किंतु यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। जो भी है मुझे सूर्य के तीव्र ताप से बचा लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप हैं कौन? कुंभकर्ण हूं मैं, और मेरे भ्राता श्री का शत्रु मेरा शत्रु है, और मैं अपने शत्रुओं से धन्यवाद नहीं लेता। मैं तो तुम्हें यहाँ समाप्त करने के लिए आया हूँ। किंतु मेरी तो आपसे कोई शत्रुता नहीं है। परंतु मेरे भ्राता श्री लंकेश से तो है ना तुम्हारी शत्रुता। यदि तू बड़ा होता तो युद्ध करने का आनंद भी आता, पर तू तो बहुत छोटा है। मेरे लिए तो तू एक खिलौने के समान है, एक पूंछ वाला खिलौना। तुझे लंका ले जाकर खेलूंगा तो कितना आनंद आएगा मुझे। अब देख कि मैं तुझे किस प्रकार गेंद बना कर खेलता हूँ। मुझे भी खेलने में बड़ा ही आनंद आता है। तो मैं भी तुम्हें अभी आनंद दिलाता हूँ। अब देखता हूं वानर कि तू कितनी उछल कूद करता है। अब नहीं बचेगा तू। पिछली बार तो सूर्यदेव ने ताप घटा लिया था, किंतु इस बार तो सूर्यदेव विवश है ताप बढ़ाने को, और उस पर ये कुंभकर्ण भी आ गया। ना जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। नारायण नारायण। बालक तुम्हें खा जाऊंगा मैं। लंकेश के साथ हो फिर भी हमसे लड़ोगी? मैं अब लंकेश के साथ नहीं हनुमान के साथ हूँ।
उचित होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ऐसा नहीं मानेगी तू? तेरी सच्चाई केसरी को बतानी होगी। जा जाकर बता दे, कुछ नहीं कर पाएगा तू। यदि इसने सच्चाई बता दी तो मेरा तो वध ही कर देंगे वो, किंतु उनका हृदय भी टूट जाएगा। हो सकता है इंद्र से युद्ध भी ठान ले, ऐसे में और भी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी सुमेरु के लिए। केसरी, तुम्हारी पत्नी अंजना को तो मेरी भार्या की ओर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। महाराज, आपने हमें इस आपदा से तो बचा लिया, किंतु महाराज अब हमें युवराज की चिंता हो रही। उन्हें तो अब तक महारानी वापस आ जाना चाहिए था। आप धैर्य रखिए, युवराज को कुछ नहीं होगा। पिताश्री ने जो गदा युद्ध का अभ्यास करवाया था उसका प्रयोग करता हूँ। तुझे छोड़ूंगा नहीं। जल तेरी गदा वानर बालक, अब मुझसे कैसे बचेगा तू? है कर लिया,
अब यही तुझे मसल दूंगा वानर। ये कैसे संभव? रुक, अभी मैं तेरे प्राण हरता हूं। कहां गया दुष्ट? मेरे सम्मुख आ। अरे मैं वहां पर नहीं हूं, यहां पर। ओह, तो तू यहां बैठा है। रुक। कहां गया ये? अरे मैं यहां पर हूं। तो तू यहां आ गया? अभी तुझे सीख देता हूं। किधर गया दुष्ट वानर? पलभर में मेरे पांव से मेरे सिर पर चढ़ गया? अरे कुंभकर्ण, मैं तुम्हें भी पलभर में कहीं से कहीं पहुंचा सकता हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तुझे बताता हूँ। चला गया तू दुष्ट वानर? अगर साहस है तो मेरे सम्मुख आ। आपके पीछे कुंभकर्ण जी। अरे वहां कहां देख रहे हो, मैं यहां पर हूं। अरे कहां चला गया? अरे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा तू? किधर है? कहां गया तू? अरे कहां गया? मुझे गोल गोल क्यों घूम? अरे ये वानर तो बहुत दुष्ट है। अरे वानर मेरे सम्मुख तो आ। अरे छिप छिप के क्यों वार कर रहा है मुझ पर? तूने तो मुझे थका ही दिया है। सखा, मैंने तो बहुत आनंद ले लिया, अब तुम जाओ। ऐसे नहीं मानेगा। मेरा मुख। दूर था ये वानर बालक, लंकेश को उन्हीं के हाथों पिटवा रहा है। सखा, कहां गया तू?
सम्मुख आ। दोस्त वानर, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया ये? दिखाई भी नहीं दे रहा। सखा, ये छिप छिप के कब तक वार करेगा वानर? मैं सम्मुख हूँ। दोस्त वानर, बहुत खेल खेल लिया तूने। अब देख कुंभकर्ण का क्रोध। जहां पर मैंने तेरी गदा पहुंचाई थी, तुझे भी वहीं पहुंचाता हूं। सूर्य के भयानक ताप में जल भुन जाएगा वो वानर। नहीं तेवरासुर, जल भुन नहीं गया होगा वो, अपितु जल के भस्म हो गया होगा वो। Ah!
तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। कुष्मांडा देवी है ना? देवर्षि नारद जी ने बताया था कि आप सूर्य मंडल के अंतःस्थल में वास करती हैं। माता, जय माता कुष्मांडा देवी। मैं अभी जाकर भ्राता श्री रावण को यह शुभ समाचार देता हूं कि उनके मार्ग का कंटक सदैव के लिए दूर हो गया है। अवश्य कुंभकर्ण जी, इस वानर ने ही असुरों को आतंकित कर रखा था। जाइए जाइए। बल इतना भूकंप, ऐसी बाढ़। हमारे पर्वत पर बसे भवन तक जल चढ़ आने का अर्थ है आसपास के अनेक राज्य डूब चुके होंगे। ना जाने कितनी जनहानि हुई होगी। पंपासर राज्य तो नीचे था, कदाचित वो भी डूब गया होगा जल में। भूकंप भी थम नहीं रहे हैं। सबकी सुरक्षा के लिए कुछ और भी करना होगा, किंतु क्या करूं? केसरी को मार दूं तो, किंतु इससे पहले मार्जरिका के सच्चाई बता दूं। बलबला बलबल, एक तीर से दो दो निशाने।
तू भले ही सूर्य से बचकर आ गया है, परंतु अब तुझे कुंभकर्ण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। बहुत हो गया दुष्ट वानर, बहुत हो चुका तेरा खेल। तूने कुंभकर्ण के सोए हुए क्रोध को जगा दिया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये तो दिव्य शक्ति है। ले, संभाल इसे। देख लिया तूने कुंभकर्ण को क्रोधित करने का परिणाम, अब भुगत इसे। दुष्ट वानर, इस दिव्य पास से कोई नहीं बच सकता, तू भी नहीं। और मार मुझे। अनीमा सिद्धि का प्रयोग करूंगा मैं, छोटा होकर एक पल में निकल जाऊंगा। तेरा प्रयास व्यर्थ है अबोध बालक, ये दिव्य पाश है, तो जितना ही बड़ा होगा ये उतना बड़ा होगा, और तू जितना छोटा होगा ये भी उतना ही छोटा होगा बालक। केसरी को बताऊं कैसे, सामने गया तो बल बला बल बल हो जाएगी। अदृश्य होकर सारी सच्चाई केसरी के सामने उगल देता हूँ। अतिबल कुछ तो अनर्थ करने वाला है।
मंत्री जी। मार्जरिका, क्यों रोका तुमने मुझे? यदि अब भी तुम यहां से नहीं गई ना, मैं स्वयं तुम्हारा सारा भेद खोल दूंगा। अतिबल, जाओगे तुम यहां से, चले जाओ सुमेरु से, अन्यथा अपने नुकीले नाखूनों से चीर फाड़ दूंगी मैं तुम्हें। मैं मार्जरिका हूं, यदि तुम पुनः यहां दिखाई दिए तो स्वयं लंकेश भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। बस अब हनुमान शीघ्र लौट आए, जिससे कि उसे दिया हुआ वचन पूर्ण करके मैं यहां से लौट सकूं। अब मैं इस दुष्ट वानर को अपनी स्वर्ण नगरी लंका लेकर जाऊंगा, जहां भ्राता श्री रावण देवी निकुम्बला के समक्ष इसकी बलि देंगे। चल वानर, आज मैं तुझे अपनी स्वर्ण नगरी लंका दिखाता हूँ, चल। अब क्या करूँ मैं? से भी मुक्त हो गया। इस मायावी पास से कदापि नहीं बच सकता। जय माता कुष्मांडा देवी। यूं तो तू मेरे एक निवाले भर का नहीं है, तुझे खाकर मेरी भूख तो नहीं मिटेगी, परंतु मेरे मन को कुछ क्षण के लिए शांति अवश्य मिलेगी। तो अब मैं तुझे खा ही जाता हूं, तुझे खाकर मेरी भूख तो नहीं मिटेगी, परंतु मेरे मन को कुछ क्षण के लिए शांति अवश्य मिलेगी। तुम्हें खाना है? मैं अभी उसकी व्यवस्था किए देता हूँ। अच्छा, अब तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी ना? ये तो बड़ा मायावी है, अब तो मुझे भी कुंभकर्ण जी का साथ देना होगा।
मैं नहीं छोड़ूंगा दुष्ट वानर। अच्छा तो अब तुम भी युद्ध करोगे? हाँ, तुमने अपनी तीव्र गति से बहुत सताया है कुंभकर्ण जी को, अब तुम मुझ तीव्र असुर की तीव्रता भी देख लो। अच्छा। छोड़ो छोड़ो, मुझे मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त कर दो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। चूर के बंधन से हनुमान ने मुझे मुक्त करा दिया। अब मैं हनुमान के सुख के लिए अपना ताप कम करता हूं। ये एकाएक तापमान कैसे कम हो रहा है? अकस्मात सूर्य को क्या हो गया? मेघ भी नहीं है, फिर ये अंधकार क्यों? स्वामी, आकाश से कैसी ध्वनि सुनाई दे रही है? सावधान कैकसी, कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ बहुत तीव्रता से गिर रही है। ये दशा किसने की पुत्र? पिताश्री, राधाश्री रावण ने जो नवग्रह को उनके मार्ग से पतित किया था, उसी को पूर्ववत करने हेतु एक वानर बालक आया है। मैं उसी को रोकने गया था पिताश्री, उसी ने मेरी यह दुर्दशा की है। माते, अवश्य ही ये वही वानर बालक होगा जिसने अनेकों असुरों का वध किया था, सूर्य को भी निगल लिया था। माते, सो गया। अच्छा है, इसे विश्राम की आवश्यकता थी ही। प्रणाम सूर्यदेव। सूर्यदेव, अब आप मुक्त हो गए हैं, किंतु मैं उस दिन के लिए आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ जिस दिन मैंने आपको निगल लिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज तुम भी मेरे उदर में चले गए थे हनुमान, बात बराबर हुई। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र हनुमान।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.